हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी विद डीएम में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इरेशनल नंबर पे। एक्सरसाइज 1.3 में का जो पहला क्वेश्चन है वो है, प्रूफ कीजिए कि रूट अंडर 5 इरेशनल नंबर है। फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है और इसमें क्वेश्चन में केवल यहाँ पे नंबरिंग चेंज हो जाती है, जैसे कि रूट अंडर 3 आ जाएगा, रूट अंडर 5 आ जाएगा, रूट अंडर 7 आ जाएगा, रूट अंडर 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको अभी रूट अंडर 5 प्रूफ करना है और इसी प्रोसेस के थ्रू बाकी सब भी वैसे ही प्रूफ हो जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करते हैं। Let that root under 5 is a rational number. Therefore, we can find integer a and b where b does not equal to 0 such that root 5 equal a upon b equation first. Now squaring both sides. Friends, हमको क्या प्रूफ करना है कि root 5 इरेशनल नंबर है, इसलिए हम लोग ने रूट 5 को हम रेशनल नंबर मान के चल रहे हैं। और अगर ये हमारा रेशनल नंबर है तो इसको इसके फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो अब इन दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा रूट 5, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 5, इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो 5b² इज इक्वल टू a². यहाँ पे क्या फाइंड हो रहा है, देयरफॉर a² इज डिविजिबल बाय 5, तो सो a इज also divisible by 5. अब हम दोबारा मानेंगे, again let a is equal to 3k and putting, यहाँ पे हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हमारा हो गया, इक्वेशन 2 बना लेते हैं इसको। putting this value in equation second, जो हमारा ये जो सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ पे एक इक्वल हमको क्या पुट करना है, 3k, हमारा क्या होगा 5b² इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब 5k का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हमारा 5k रहेगा, सॉरी क्वेश्चन में हमारा 5 है, गलती से हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5b² इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और k स्क्वायर, तो b² इक्वल टू 25 बाई 5 k² तो b² इक्वल टू
फाइव के स्क्वायर यहाँ पे फिर से हमारा देयरफॉर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय फाइव सो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय फाइव। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सो ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय फाइव therefore we can say that A and B have at least five as a common factor। हमने क्या लिखा है उसको एक बार दोबारा देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा इंटीजर ए और बी था वो दोनों डिविजिबल बाई फाइव हो गया, दोनों फाइव से डिविजिबल हो गया। तो यहाँ पे जो इंटीजर ए और बी था वो दोनों का कॉमन फैक्टर फाइव हो गया। तो जो हमारा कंट्राडिक्स था वो हम लोग ने जो एज्यूम किया था कि रूट अंडर फाइव इज रेशनल नंबर, वो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि वो रेशनल नंबर नहीं है। वो रेशनल नंबर नहीं है तो हमारा क्या हो गया, रूट अंडर फाइव इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ फिनिश होता है। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है प्रूव दैट 3+2√5 इज इरेशनल नंबर। हमको प्रूव करना है कि 3+2√5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो पहले हम मान लेंगे कि 3+2√5 इज रैशनल नंबर। सो अगर हम मानते हैं कि 3+2√5 हमारा रेशनल नंबर है तो ये हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारा क्या है ए एंड बी आर को प्राइम है। अब हम 3 को इधर लेके आते हैं तो इधर हमारा माइनस में आ जाता है, तो हमारा होता है 2√2 × √5 इक्वल a upon b माइनस 3। अब हम यहाँ पे 2 को भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले से हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये देखेंगे कि सिंस a, b एंड 3 आर इंटीजर, ये हमारा ये क्या है हमारा इंटीजर है। तो जो हमारा ये नंबर होगा, ये जो हमारा नंबर होगा वो हमारा रेशनल नंबर होगा। लेकिन क्वेश्चन फर्स्ट में ही हम लोगों ने ये प्रूफ किया था कि रूट फाइव इज इरेशनल नंबर। हम लोग ये भी जानते हैं कि रूट फाइव इज इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। तो हमारा जो ये हम लोगों ने माना था कि रूट फाइव इक्वल 1/2 × a/b माइनस 3 ये इक्वल होगा, तो ये कॉन्ट्राडिक्स हो जाता है, यहाँ पे ये गलत साबित हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, क्योंकि हमने जो माना था वो गलत था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो 3+√5 इज इरेशनल नंबर, क्योंकि हमको यही प्रूफ करना था कि 3+√5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से।
अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। 1/√2, सेकंड नंबर हमारा 7/√5, थर्ड है 6+√2। पहले हम प्रूफ करने जा रहे हैं, पहला देखेंगे, पहले हम मान लेंगे कि 1/√2 इज रेशनल नंबर। सबसे पहले हम रेशनल नंबर मानते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे 1/√2 इक्वल a/b, जहाँ पे हमारा b डज नॉट इक्वल 0 है और a और b जो हमारा है वो हमारा क्या है, को प्राइम है। ठीक, आगे देखेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b इक्वल टू √2 a होगा। दोनों साइड अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये आएगा b² = 2a² इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। यहाँ पे हमारा जो ये दिखा रहा है कि 2 डिवाइड्स b² 2 क्या है, ये हमारा 2 डिवाइड्स b² है, तो 2 आल्सो डिवाइड b होगा। नाउ पुट b = 2 के इन इक्वेशन फर्स्ट, हम इक्वेशन फर्स्ट में b की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2 के, तो हमको ये मिल रहा है 2k² = a². यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 2 डिवाइड्स a² तो 2 आल्सो डिवाइड्स a। सो जो हमारा 2 है वो कॉमन फैक्टर हो जा रहा है a और b का, तो दिस कंट्राडिक्स दैट ए एंड बी आर को प्राइम। जो हमने माना था कि ए और बी हमारा क्या है, को प्राइम है, यहाँ पे ये गलत रूप हो रहा है। सो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, जो हम मान रहे हैं वो हमारा क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। तो 1/√2 इज हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हमारा है 7√5 और उसके बाद से है 6+√2, जिसको हम शॉर्ट में दिखाते हैं, इज रेशनल नंबर। सबसे पहले मान लेंगे कि 7√5 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। सो 7√5 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जवाब है हमारा रेशनल नंबर है, वेयर जहाँ पे हमारा बी डज नॉट इक्वल 0 है और एंड ए एंड बी आर हमारा क्या है, को प्राइम है, इसका केवल एक ही कॉमन फैक्टर है। अब यहाँ पे हम देखेंगे √5, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये √7b होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए बी एंड 7 हमारा क्या है, इंटीजर है, आर इंटीजर्स। सो अगर ए बी और 7 हमारा इंटीजर है तो ये जो हमारा क्या होगा, वो रेशनल नंबर होगा। तो ये √7b इज रेशनल नंबर। ठीक, अब हम ऑलरेडी जानते हैं, हम पहले से जानते हैं और पहले प्रूफ भी किए हैं कि वी नो √5 इज इरेशनल। नंबर हम ये पहले जानते हैं कि हमारा ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जो हम ये मान रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे इट कंट्राडिक्ट्स एस इरेशनल इक्वल रेशनल। जो हम ये मान रहे हैं कि रेशनल और इक्वल इरेशनल होता है, ये कंट्राडिक्ट हो जा रहा है, यानी ये
क्या हो जा रहा है, ये हमारा इक्वल नहीं होता है। जब ये दोनों हमारा इक्वल इरेशनल के बराबर हमारा रेशनल नहीं होता है तो हम लिखेंगे सो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग एंड 7 root 5 इज इरेशनल नंबर। तो हमारा जो 7 root 5 है वो हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। अगला जो हमारा इसी का तीसरा जो क्वेश्चन था वो क्या था, 6 plus root under 2। तो जैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था सेम वैसे ही हम ये क्वेश्चन नंबर जो 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसको भी ये भी हमारा कंट्राडिक्स हो जाएगा और प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.3 फिनिश होता है। अब हम एक्सरसाइज 1.4 को देखेंगे अगले वीडियो में।